हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें आपको बताऊंगा कि आप किसी कस्टमर को कोई भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो और उसका जो पेमेंट है उसको आप कोई फाइनेंस कंपनी के थ्रू उसका आप इंस्टॉलमेंट वगैरह सेट करा के देते हो। तो इस केस में जब आप को जो पेमेंट आने वाला है वो फाइनेंस कंपनी के थ्रू पेमेंट आने वाला है और जो आपका कस्टमर जो पेमेंट करने वाला है वो फाइनेंस कंपनी को पेमेंट करने वाला है, तो इस केस में जो आपका सेल्स बिल बनेगा, सेल्स बिल बनने के बाद आपको जो पेमेंट आएगा उसका एडजस्टमेंट एंट्री होगा, ये सारे ट्रांजेक्शन हम लोग टैली में कैसे मेंटेन करेंगे वो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल प्रिपेयर किया, उसमें पहले आपको मैं समझा देता हूँ और इसी का ट्रांजेक्शन मैं आपको टैली में करके दिखाऊंगा। तो सिवान इन्फोसिस सप्लायर है जो कि मिस्टर राम को एक लैपटॉप सेल करने वाले हैं और बजाज फाइनेंस कंपनी है जिससे हम लोग फाइनेंस कराएंगे और इसका पहला जो एंट्री होगा वो सेल्स का एंट्री होगा। सेल्स में डेबिट टू राम होगा, क्रेडिट टू सेल्स होगा, इसके बाद जनरल एंट्री पास होगा क्योंकि हमें जो पेमेंट आने वाला है वो बजाज कंपनी के पास आने वाला है, मिस्टर राम से नहीं आने वाला है। तो इसके लिए पहले हमें जनरल एंट्री पास करना होगा जिसमें हमें डेबिट टू बजाज फाइनेंस और क्रेडिट टू मिस्टर राम लेना होगा और इसके बाद जो हमें पेमेंट आने वाला है वो बजाज कंपनी के थ्रू आने वाला है। तो इसको हम लोग जो लास्ट में जो पेमेंट एंट्री होगा वो डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा और क्रेडिट टू बजाज फाइनेंस होगा। तो इसका हम लोग अभी पूरा ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक सेल्स एंट्री करते हैं, मिस्टर राम। अभी यहाँ पे मैंने 25,000 का उसको लैपटॉप सेल कर दिया है और अभी हम लोग डिस्प्ले अकाउंट लेजर में जाके चेक करेंगे तो मिस्टर राम को राम से हमें 25,000 रुपया लेना है। ये जो पेमेंट आने वाला है वो बजाज फाइनेंस कंपनी की तरफ से हमें आने वाला है और जो मिस्टर राम है वो बजाज फाइनेंस कंपनी को पे करने वाला है। तो अभी इस केस में हमें उसको पहले हमें जनरल एंट्री पास करना होगा। यहाँ पर हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, हम लोग ले लेंगे संडी डेप्टस में। डेबिट टू 25,000 और क्रेडिट मिस्टर राम, क्योंकि ये जो अमाउंट है अभी मिस्टर राम के अकाउंट से हमारे अकाउंट नील हो जाएगा और हमें जो बैलेंस अमाउंट हमें पेमेंट में दिखाई देगा डेप्टस में दिखाई देगा वो बजाज फाइनेंस का दिखाई देगा। तो अभी अगर हम लोग लेजर मिस्टर राम का चेक करते हैं तो यहाँ पे इसका अमाउंट नील हो जाएगा और बजाज फाइनेंस का अगर हम लोग जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे 25,000 बजाज फाइनेंस का हमें यहाँ पे बैलेंस अमाउंट दिखाई देगा। तो अभी हमें जो पेमेंट आएगा वो बजाज फाइनेंस कंपनी से आने वाला है। तो हम लोग जो रिसीप्ट एंट्री पास करेंगे यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट लेंगे और सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस हमें जिस तरीके से भी पेमेंट करती है, फुल पेमेंट करती है, हाफ पेमेंट करती है, मुझे पेमेंट के प्रोसीजर के बारे में तो डिटेल में नहीं पता है कि फाइनेंस कंपनी जब सप्लायर को किस तरीके से पेमेंट करती है, बट जब भी जो भी आपको पेमेंट आएगा उसको आपको रिसीप्ट एंट्री में फाइनेंस कंपनी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे ले लेता हूँ 25,000। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट बजाज फाइनेंस की तरफ से भी नील हो जाएगा। तो हमारे उसमें अभी आपको बैलेंस शीट में अगर जाके आप करंट एसेट में डेप्टर्स का अगर लिस्ट चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे आपको बैलेंस में नहीं दिखाई देगा। जो भी अभी ट्रांजेक्शन बैलेंस ट्रांजेक्शन रहेगा वो जो भी हमारा बायर था और जो फाइनेंस कंपनी के उन दोनों के बीच में रहेगा। हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, हमें यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री करनी है, सेल्स एंट्री के बाद यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है और जनरल एंट्री के बाद रिसीप्ट एंट्री करनी है। तो दोस्तों ये आपको ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा कि हम लोग जब भी कोई फाइनेंस कंपनी के थ्रू अगर किसी आइटम को सेल करते हैं तो उसका पूरा ट्रांजेक्शन कैसे होता है। तो और भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और अपडेट्स के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।